हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लगमा नाच रेसिपी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट 1 kg के बटर स्कॉच केक की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम बेकरी स्टाइल केक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट का प्रीमिक्स लिया है 2 कप। अगर आपको 1 किलो का केक बनाना है तो इसके लिए 2 कप प्रीमिक्स लगेगा। तो चलिए गाइस, अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 कप के करीब पानी जाएगा। पानी आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। देखिए, यहाँ पे मेरा 1/2 कप के करीब ही पानी गया है। आप भी इसी हिसाब से डालें, केक आपका एकदम बढ़िया बनेगा। आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ज़रूरत नहीं लगेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये 1/2 कप पानी में ही एकदम परफेक्ट बैटर बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें। और इसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच वनीला एसेंस। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि वनीला एसेंस डालना ज़रूरी होता है केक में। तो हाँ गाइस, वनीला एसेंस डालना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे केक में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जो कि केक को और अच्छा बना देती है। तो देखिए, हमारा बैटर बनके तैयार है। तो अब केक के मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ऑयल लगा के, और इसमें बटर पेपर लगाएंगे और उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के, और फिर हम इसमें केक का बैटर डालेंगे। आप चाहें तो केक को चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन है तो आप केक को उस पर भी बेक कर सकते हैं। दोनों में ही केक एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। मैंने आज केक चूल्हे पे बेक किया था, जिसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैंने पहले भी दिखा रखा है कई वीडियो में कि चूल्हे पे केक कैसे बेक करते हैं। अगर आपने नहीं देखा या आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा केक एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल स्पॉन्जी है। तो ठंडा जैसे ही हो जाए वैसे ही आप इसको डीमोल्ड करें और इसकी कटिंग कर दें। यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स में इसको कट किया है। देखिए, आज तो मैंने इसको चाकू से कट किया है, मैंने थ्रेड से भी कट करके दिखा रखा है अपने पहले कई वीडियोस में कि आपको थ्रेड की हेल्प से कैसे इसको कट करना है। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आप थ्रेड से ही शुरुआत में काटें क्योंकि थ्रेड से बहुत अच्छा एकदम इक्वल लेयर्स निकलती हैं। तो देखिए, अब इसको अच्छे से शुगर सिरप से मॉइस्ट कर दिया है मैंने 1st लेयर को। तो इसके बाद अच्छे से व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड कर लेंगे एकदम इवनली, और उसके बाद डालेंगे बटर स्कॉच क्रस। बटर स्कॉच क्रस आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है, और अगर आपको ना मिले और आपको इसको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रहा हो तो आप ईजिली इसको घर पर भी बना सकते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं आपको रेसिपी इसकी दे दूँगी। तो इसके बाद मैंने बटर स्कॉच नट्स यूज़ किए हैं थोड़े से। मैंने ये नट्स ऑनलाइन ही मंगवाए थे अमेजोन से, क्योंकि ये हमारे मार्केट में नहीं रहे थे। अगर आपके मार्केट में ही मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बेकरी स्टाइल केक बनाने वाले हैं तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस नहीं करेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, 2nd लेयर भी रखी है, और मैंने सेम वैसे ही प्रोसेस किया है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। पहले लेयर रखेंगे, उसको शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे, और फिर व्हिपिंग क्रीम रखेंगे, फिर क्रश लगाएंगे और थोड़े से नट्स यूज़ करेंगे। फिर देखिए, 3rd लेयर रख दिया है मैंने। 3rd लेयर को भी शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे और इसको व्हिपिंग क्रीम से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि ये क्रम कोटिंग हो जाए, और इसको फिर 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने रख देंगे। तो देखिए, क्रम कोटिंग के बाद मैंने थोड़ा डार्क कलर से इसको अच्छे से कवर किया है ताकि ये और डार्क हो जाए, थोड़ा लाइट लग रहा था शुरुआत में मेरे को। तो देखिएगा इसमें किस तरीके से क्रीम लगा रही हूँ, एक हाथ से टर्न टेबल रोटेट कर रही हूँ और एक हाथ से स्पैचुला की मदद से क्रीम लगा रही हूँ ताकि एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो। कोई भी देख के ये ना कह सके कि नहीं, इसको घर पर बनाया है, एकदम मार्केट जैसा बन के तैयार होगा। तो देखिए, अब मैं स्क्रैपर की मदद से कैसे इसको क्लीन कर ले रही हूँ। तो गाइस, इसके बाद मैंने न्यूट्रल जेल में ऑरेंज कलर मिक्स करके पाइपिंग बैग में भर दिया है, और इससे हम अच्छा सा डिज़ाइन देंगे। आपको सिंपली इसमें करना ये है, सेंटर पे कीप रखनी है और धीरे धीरे करके आपको हाथ पीछे लेके जाना है, खुद पर खुद डिज़ाइन बन जाएगा, और एक हाथ से आपको टर्न टेबल रोटेट करना है। तो देखिए, अब हम इसमें ड्रिपिंग गिरा देते हैं। तो अब मैं टूथपिक की हेल्प से एक बढ़िया सा डिज़ाइन दे दूंगी कुछ इस तरीके से। बेकरी पे इस टाइप के डिज़ाइन बहुत होते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज इसी डिज़ाइन को ट्राई किया जाए। जी हाँ गाइस, ये मैंने 1st बार ट्राई किया है इस तरीके का केक। मैंने पहले भी कई तरीके का केक बनाया है, बहुत सारे डिज़ाइन ट्राई किए हैं, लेकिन इस तरीके का केक मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैं M1 नोज़ल का यूज़ करके हर तरफ से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना ले रही हूँ, और देखिए कितना क्यूट लग रहा है देखने में।
तो गाइज अगर आपको केक बनाना सीखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा नए नए केक की रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ। तो देखिए हमारा सिंपल सोवर सा केक बिल्कुल बनके तैयार है। तो गाइज देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए गाइज, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो गाइज रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।